आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। डिजिटल रेप सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? ऐसा ही कुछ ना कि कोई भी शारीरिक शोषण जो डिजिटल माध्यम से किया जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डिजिटल रेप का ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो जी हाँ, तो डिजिटल रेप का इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर डिजिटल रेप किसे कहते हैं, कानून में इसके लिए सजा के क्या प्रावधान है, ये सब सवाल आ रहे होंगे दिमाग में। तो बस इन्हीं के जवाब लेकर हाजिर हो गए हैं हम आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान, मैं हूँ खुशबू। मई 2022 में नोएडा पुलिस ने 81 साल के एक पेंटर को 17 साल की लड़की के साथ डिजिटल रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। लड़की के साथ रहने वाली महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 साल की बच्ची के साथ 81 साल का व्यक्ति डिजिटल तरीके से छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी खुद को लड़की का गार्डियन बताता था और अक्सर बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ ये सब किया करता था। पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि जब वो 10 साल की थी तब मॉरिस उसे अपने घर ले आया था। मॉरिस ने उसके पिता से कहा था कि वो इसे पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ लाकर वो यौन शोषण करने लगा। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी अश्लील वीडियो दिखाकर उसके प्राइवेट पार्ट को भी छूता था। नतीजन आरोपी पर डिजिटल रेप की धाराएं लगाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि कानून के अनुसार डिजिटल रेप की परिभाषा क्या है। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित से सुनिए। खुशबू, डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। ये शब्द दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब एक तो अंक होता है, लेकिन उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से ही संबोधित किया जाता है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा यौन उत्पीड़न जो डिजिट से किया गया हो और उसे ही डिजिटल रेप माना गया है। यौन उत्पीड़न के इस पहलू को साल 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया गया था, जिसने इस अपराध को संशोधित और विस्तारित किया। डिजिटल रेप अपराधों की लिस्ट में 2013 में जोड़ा गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं के साथ हुई जातियों को आसान शब्दों में डिफाइन करके उनकी गंभीरता कम न की जा सके। इससे पहले डिजिटल रेप के आरोपों में किसी को सजा नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई शब्द ही अपराधों के रूप में कानून में नहीं था। उसी दौरान दो घटनाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये डिजिटल रेप पर सजा का प्रावधान निर्धारित करने पर और बाध्य किया, उन्हें भी आपको जानना चाहिए। साल 2012 में मुंबई में 2 साल की बच्ची को खून से लथपथ अस्पताल लाया गया। जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि उसकी योनि में उंगलियों से छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि ये रेप के कोई संकेत नहीं थे। बाद में पता चला कि उसके पिता ही बच्ची का उत्पीड़न कर रहे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस उस पर रेप की धारा नहीं लगा सकी क्योंकि ये अपराध इस श्रेणी में था ही नहीं। दूसरी ऐसी ही घटना दिल्ली में हुई, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक 60 साल की महिला का यौन उत्पीड़न किया, जिसने अपने रिश्तेदार की शादी में आए 60 साल यात्री को भेदने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। फिर से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आईपीसी की धारा 376 यानी रेप के अपराध के तहत उसे दोषी नहीं ठहराया गया। ये अपराध बड़े विभत्स थे, लेकिन सजा उस हिसाब की नहीं थी क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं थे। तब अस्तित्व में आया डिजिटल रेप शब्द, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं अंजाम देने वाले लोगों को इस अपराध के तहत गिरफ्तार किया जाने लगा। इसके तहत अलग अलग सजा का प्रावधान बनाया गया है जो रेप जितना ही कठोर है। रोहित से सुनिए। खुशबू, 2013 में संशोधित कानून के बाद डिजिटल रेप के मामले में भी रेप की ही तरह सजा का प्रावधान किया गया। अमूमन मामले की गंभीरता ही सजा तय करती है। इसी तरह की परिभाषा पॉक्सो एक्ट के तहत भी दी गई है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के तहत ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को मिनिमम 7 वर्ष कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ज्यादातर रेप या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में ये सामने आया है कि 70% केसेस में महिलाओं के साथ रेप या शारीरिक शोषण करने वाले अपराधी महिला के जानने वाले ही होते हैं। ऐसे में इस तरह के कानूनों की जरूरत और हो जाती है ताकि महिला के साथ किसी भी तरह के शोषण का आरोपी बिना सजा पाए ना छूट सके।
तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा हमें बताइए radio@aajtak.com पर, या फिर व्हाट्सएप करिए 9953233303 पर। आज का ज्ञान ध्यान प्रोड्यूस किया है हमारे साथ ही रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेजी, खुशबू के साथ थे आप। अब इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।